बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक टू का पेज नंबर 25। ठीक है, पेज नंबर 25 है हमारे पास। आज रिव्यू एक्सरसाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने किस तरह से करनी है, लेकिन इसको कंप्लीट आपने खुद करना है। इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट आपके पास क्या है, रिव्यू नंबर्स। नंबर्स का रिव्यू आपने किस तरह से देना है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। इन नंबर्स को आपने किस में लिखना है, हंड्रेड्स में लिखना है, टेंस में लिखना है और वंस में लिखना है। जैसे फर्स्ट देखें, डन किया हुआ है। ये क्या है, 351। थ्री आपके पास किस पोजीशन पे है, किस प्लेस वैल्यू पे है, हंड्रेड्स की। फाइव आपके पास किस पोजीशन में है, टेंस की। और वन आपके पास किस पोजीशन में है, वन की। ठीक है, आप उसको वंस भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखें क्या है, 693। 600 मतलब 6 आपके पास क्या है, हंड्रेड्स है। ठीक है, उसके बाद 9 आपके पास क्या है, टेंस है। और 3 आपके पास क्या है, 1 है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट नंबर डस द अबैकस शो। इनमें आपने देखें, ये जो आपके पास एक अबैकस बना हुआ है, ये क्या नंबर शो कर रहा है। ठीक है, किस तरह से देखें, ये वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ये छोटे छोटे से बॉल्स बने हुए, ये आपने काउंट करके यहाँ नीचे लिखने हैं, तो ये आपके पास एक प्रॉपर नंबर बन जाएगा। जैसे ये रेड वाले काउंट करें कितने हैं, 1 2 3, यहाँ 3 लिखा। ग्रीन काउंट किए, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखा। उसके बाद हंड्रेड्स के कॉलम में आप चेक करें, ब्लू वाले कितने बॉल्स हैं, 1 2 2 हैं, तो यहाँ आपने 2 लिखा। ये आपके पास नंबर बना 253। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी हम कंप्लीट करते हैं। पहले आप वंस प्लेस में जो बॉल्स बने हुए वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आप 8 लिखेंगे। ठीक है, टेंस में काउंट करें कितने हैं, 1 2, यहाँ आपने 2 लिखा। हंड्रेड्स में काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास नंबर बना 628। इसी तरह से बाकी के पार्ट आपने खुद कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स दैट आर। आपने लेस देन और ग्रेटर देन पढ़ा था, इसी तरह से आपने ये नंबर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए डन किया हुआ है, 688 से लेकर आपने 695 तक के नंबर लिखने हैं। ठीक है, 688 लिखा हुआ है, मतलब आपने इससे नेक्स्ट लिखने हैं और 695 से लेस लिखने हैं, यानी कि 694 तक। ये दोनों पार्ट आपने खुद कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, राइट लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपने लगाना है। जिस तरह से हमने पीछे 2-3 पेज पढ़े हैं, बिल्कुल उसी ट्रिक के साथ आपने करने हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 496, 492, सबसे पहले आपने हंड्रेड्स कंपेयर किए, दोनों सेम हैं। फिर आप टेंस कंपेयर करेंगे, 9 एंड 9, वो भी दोनों सेम हैं। आप वंस कंपेयर करेंगे, 6 एंड 2। सो स्टूडेंट, 6 इज़ ग्रेटर देन 2, सो बिगर नंबर आपके पास क्या है, 496। ठीक है, इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पेज नंबर 26। जी पेज नंबर 26 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द नंबर नेम। आपने ये देखे नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने इनको नंबर नेम्स मीन इन वर्ड्स में लिखना है। किस तरह से आपने इन वर्ड्स में लिखना है, फर्स्ट आपके पास क्या है, 209, आपने यहाँ लिखना है 209। ठीक है, मीन्स कि आपने इसको स्पेलिंग में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द नंबर, ये आपने स्पेलिंग में इन वर्ड्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपने इनको नंबर में लिखना है, 362। ये आपके पास क्या है, 300, ये क्या है, 62, आपने यहाँ लिखा 362। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट इन नंबर्स, आपने इनको नंबर्स में लिखना है। नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 200, 6, 10,
फोर वंस, टू आपके पास हंड्रेड है, सिक्स टेंस हैं और फोर वंस हैं, बस आपने ये नंबर लिख देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर टू किया है, इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर एट करेंगे, ठीक है। आपने जो अबेकस में शो किए गए हैं बॉल्स, इनको काउंट करना और यहाँ नीचे लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरह से आपका लेस देन और ग्रेटर देन का है, आपने इसको खुद फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने काउंटिंग को काउंटिंग आपको दी हुई है, ये ऊपर आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर आपको क्या होता है, ए से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स कि बिल्कुल स्टार्टर है, यानी कि स्मॉलर नंबर आपने सबसे पहले लिखना है, सबसे छोटे से बड़े तक का लिखना है, ठीक है। उसके बाद राइट दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर आफ्टर बिटवीन। हमने अभी लास्ट अपना लेक्चर कंप्लीट किया है, इसमें भी आपने नंबर्स को कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स पार्ट ए में आपने बिफोर नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 362 से पहले क्या नंबर आता है आपने वो लिखना है। फिर आफ्टर बाद में आने वाले नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 337 के बाद क्या नंबर आता है वो लिखें। और नेक्स्ट आपने लिखने हैं बिटवीन नंबर्स 592। आप इसमें देखें, आप दोनों ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप बिफोर लिख लें, ठीक है, इस तरह से लिख लें 594 से पहले जो नंबर आता है चाहे वो लिख लें, चाहे आप आफ्टर लिख लें इस तरह से 592 के बाद में क्या नंबर आता है वो लिख लें, दोनों तरह से आपका क्वेश्चन ठीक होगा। थैंक यू।